हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल आजाद एग्रीकल्चर रुपान के अंदर आपका फिर से स्वागत है। और हम लेके आए, जैसे कि आपको पहले भी बताया कि शॉर्ट नोट के बारे में, और शॉर्ट नोट का ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो है जो हमारा आज फोर्थ वीडियो है वो लेके आए आपके सामने। दोस्तों, उम्मीद है आपको पहले वाला वीडियो के अंदर भी हमें ठीक है अच्छा प्यार मिलता है आपका। और जो भी वीडियो देखते हैं तो आप उसको अंदर कमेंट और लाइक कीजिए, उसके अंदर कमेंट कीजिए कि कौन सा वीडियो आपको बनाना है या आपके लिए कौन सा टॉपिक लेके आना है। हम तो दोस्तों, मैं तो विशेष रूप से वही टॉपिक लेके आता हूँ जो मुझे ये पता कि कंफ्यूज करने वाले हैं। जो भी टॉपिक आपको कंफ्यूज करते हैं उसी प्रकार के उस कंफ्यूजन वाले वीडियो को, उसी जो परिभाषाएं होती है, जो टर्मिनोलॉजी होती है, वर्ड्स होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, उसी को लेकर के मैं वीडियो यहाँ पे लेके आता हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने सबसे पहले हमारा लेफ्ट स्ट्रेट। अब लेफ्ट स्ट्रेट देखो, हिंदी और इंग्लिश वर्ड हमारे वही हैं, जो हिंदी के अंदर भी वही लिखे जाते हैं, इंग्लिश के अंदर भी लगभग वही लिखे जाते हैं। तो हमारा सबसे पहले लेफ्ट स्ट्रेट। तो दोस्तों, लेफ्ट स्ट्रेट से अभिप्राय क्या है, जब हम एल्टीट्यूड, जब हम किसी भी ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे हम नीचे से ऊपर ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो ऊंचाई पे जाने पर जो टेम्परेचर की जो डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, जो कम होने की दर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट स्ट्रेट कहते हैं। कि जब आसमान में ऊंचाई पर जाया जाता है, एक निश्चित ऊंचाई पर जाया जाता है, तो टेम्परेचर के अंदर होने वाले चेंजेस को क्या कहते हैं, हम लेफ्ट स्ट्रेट कहते हैं। और जो लेफ्ट स्ट्रेट हमारी जो नॉर्मल चलती है वो क्या होती है, 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वो 6 डिग्री सेल्सियस ये आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट स्ट्रेट का पूछा, लेफ्ट स्ट्रेट की दर कितनी होती है, -6 डिग्री सेल्सियस होती है। अगली बात करते हैं दोस्तों एल्बिडो पर। एल्बिडो से अभिप्राय देख लो, आपने देखा होगा कि सूर्य से हमारा जो सूर्य होता है, अब ये सूर्य है, इससे जो किरणें होती है जमीन के ऊपर पड़ती है, इससे किरणें सीधी आने वाली जमीन के ऊपर पड़ती है। अब ये जमीन के ऊपर जो सूर्य से आने वाली विकिरण जमीन से पड़ने के बाद में इसका कुछ किरणें क्या होती है, वापिस रिमूव होकर के आसमान के अंदर चली जाती है। तो दोस्तों, इसके मध्य का जो अनुपात होता है, जो आने वाले, आप यहाँ पे देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूँ कि जैसे 4 किरणें आ रही है ऊपर से रेडिएशन, और 3 यहाँ पे रेडिएशन जो है वापस रिमूव हो रही है, आसमान की ओर जा रही है। तो इनका मध्य का जो अनुपात होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एल्बिडो के नाम से जानते हैं। तो हम ये सीधे तौर पर अगर परिभाषा भी लिखनी है, कई बार हमारे पूछ लिया जाता है एल्बिडो क्या होता है, तो सूर्य से आने वाली विकिरण जमीन से टकराने के बाद में जो ऊपर की ओर चली जाती है, वापिस जो चली जाती है, उसका जो मध्य का अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो हमारे क्या कहलाता है, एल्बिडो कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों है सीपेज। अब सीपेज वर्ड हमारी इकोनॉमी के अंदर काम में आता है बहुत ज्यादा। और दूसरी बात है, सीपेज को हम कहीं पे एक एज ए मान लो सेम की संख्या भी कह देते हैं। जैसे आपने देखा होगा नदी या नाला है कोई भी, ऐसे प्रकार से कोई नदी नाला बहता है, ये हम बात करते हैं, ये नदी कोई इस हिसाब से नदी या नाला इस हिसाब बहता है। और इसकी आसपास की जो जमीन होती है, ठीक है, नदी या नाला जो बहता है, नहरें बहती है, नहर के आसपास की जमीन है, तो इससे क्या था, पानी रिस करके जो पानी यहाँ पे जाकर के जमीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है इस साइड में, इनसे रिसाव होकर के जो पानी चला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीपेज कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार जो कैनाल्स है उनके अंदर साइडों के अंदर जो पानी रिस के जाता है, उस रिस के जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, सीपेज कहते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा सीपेज। नेक्स्ट है हमारा परकोलेशन। तो अब परकोलेशन से अभिप्राय क्या है, सेम दोस्तों वही चीज है कि यहाँ पे सीपेज तो था हमारा जो मतलब साइडों के अंदर उसका जो पानी का बहाव होता है। परकोलेशन क्या क्या होता है इसमें दोस्तों, कि जो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, इसमें क्या साइडों के अंदर पानी का मूवमेंट था, लेकिन इसमें क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, कि जमीन की नीचे की सतह के अंदर पानी का चला जाना। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो जो जमीन के अंदर पानी का नीचे की ओर बहना, वो हमारा क्या कहलाता है, परकोलेशन कहलाता है। तो दोस्तों, सेम यही चीज हमने इस परिभाषा को यहाँ पे तो कंफ्यूजन करना है, इसी वजह से मैं यहाँ पे लेता हूँ। लीचिंग की बात करते, लीचिंग क्या होता है, कि जब इसी पानी का, जब किसी भी पानी के साथ में न्यूट्रेंट, अब ये पानी का देखो ऊपर भी हमने देखा है परकोलेशन भी डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है पानी का। और डाउनवर्ड मूवमेंट होने के साथ हमारे पास में क्या होता है, न्यूट्रेंट्स और जो साल्ट्स होते हैं, ये साल्ट्स क्या करते हैं, पानी के साथ में रिस करके जमीन के नीचे की सतह में चले जाते हैं। ये क्या करते हैं, नीचे की सतह में चले जाते हैं। तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर विद न्यूट्रेंट और साल्ट्स, जब वाटर और न्यूट्रेंट साल्ट जो है साथ में चले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। अगला है हमारा इनफिल्ट्रेशन। दोस्तों, इनफिल्ट्रेशन, आपने फिल्ट्रेशन फिल्टर का सुना ही है, फिल्टर कैसे होता है, पानी को फिल्टर कैसे होता है, जब आपने आरओ देखा होगा, आरओ के अंदर पानी जाता है तो फिल्टर होकर नीचे निकलता है, उसमें क्या होता है, कचरा ऊपर रह जाता है, उसके अंदर जहां पे नीचे पानी नहीं होता वो अपने नीचे पानी जाता है।
तो इसी प्रकार जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, इन्फिल्ट्रेशन क्या करता है कि जो मृदा की प्रथम सतह अनसैचुरेटेड सॉइल जो होती है, ठीक है, अनसैचुरेटेड, ठीक है, या हम इसको हिंदी में कहते हैं असंतृप्त, असंतृप्त, असंतृप्त मृदा। जब असंतृप्त मृदा होती है तो पानी सॉइल के ऊपर जाने के बाद में इसकी जो प्रथम सतह होती है इससे होता हुआ ये जब संतृप्त हो जाए इसकी नीचे की सतह में गति कर जाता है। तो पानी क्या करता है, मृदा को संतृप्त कर देता है। आपको ये भी पता है कि मृदा के अंदर क्या होता है, जो 50% तो क्या होते हैं, पोर स्पेसेस, ठीक है, पोर स्पेस, और 50% क्या होता है, ठोस होता है, ठीक है, ठोस, या हम ये कहें सॉलिड कह सकते हैं। तो 50% पोर्स के अंदर जब वाटर जाता है तो उसके प्रथम सतह से जब वाटर जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी थी, हमने पहले पढ़ा लेफ्ट स्लेट की अल्टीट्यूड ऊंचाई पे जाने के दौरान जो तापमान के अंदर चेंजेज होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट स्लेट कहते हैं। इसकी दर क्या होती है, -6 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आता है एल्बिडो, एल्बिडो से अभिप्राय सूर्य से आने वाली विकिरणें जमीन से टकरा करके उसका कुछ अनुपात क्या है वापिस आसमान की ओर चला जाता है तो उसके मध्य के अनुपात को हम क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। सीपेज की बात करती तो नदी नालों या नहरों के जो या कोई समुद्र है उनके साइडों के जो रिसाव होता है पानी का उस रिसाव के हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सीपेज के नाम से जानते हैं। परकोलेशन का मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, कि जमीन की निचली की सतह में पानी का चला जाना, मतलब जमीन के अंदर रुकना नहीं, नीचे चले जाना, वो हमारी क्या कहलाता है, परकोलेशन। नेक्स्ट है हमारा लीचिंग। लीचिंग क्या है कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर विद न्यूट्रेंट और साल्स, जब न्यूट्रेंट और साल्स का मूवमेंट नीचे की तरफ हो जाता है मृदा के अंदर तो वो हमारा दोस्तों क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारा इनफिल्ट्रेशन, तो इनफिल्ट्रेशन से अभिप्राय क्या होता है कि मृदा की ऊपरी सतह से अनसैचुरेटेड सॉइल के अंदर जो अनसैचुरेटेड सॉइल में 50% पोर्स होते हैं, रंध्र होते हैं, और 50% ठोस होता है तो उसके अंदर पूरे तरीके से मृदा के अंदर फिल हो जाना, वो हमारा क्या कहलाता है, इनफिल्ट्रेशन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो शॉर्ट नोट का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करके बताएं, क्योंकि आपके कमेंट की तो मुझे उम्मीद होती है, और अगर आप कमेंट नहीं करते तो मुझे ऐसे लगता है आपको अच्छा नहीं लगता है शायद। अगर आपको अच्छा नहीं भी लगे तो भी आप कमेंट कीजिए नीचे कि हाँ सर हमें ये अच्छा नहीं लगा, हमें ये चीज नहीं आती, जो भी कंफ्यूजिंग वाली चीज है वो कंफ्यूजन वाली चीज मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा।